शिवपुरी जिले के खनिया थाना क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। ऐसे में यह लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर गरीब जनता का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। भाई, इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारी लड़ाई केवल एक झंडे के लिए नहीं, बल्कि ये ग्वालियर, चंबल, मालवा, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, निमाड़ और मेरे मध्य प्रदेश की माटी को संरक्षित रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे किसानों, हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों, हमारे नौजवानों और बच्चियों को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। सत्ता की इतनी लालच है, सत्ता की इतनी भूख है, कि वहां तो कपड़े फाड़ने की नौबत हो रही है। अब आप अनुमान लगाओ कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने का ऑर्डर कार्यकर्ता को दे रहा है, तो आप अनुमान लगा दो कि ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो मेरी गरीब जनता का क्या हाल करेंगे। हमारी चाहत है विकास की, हमारी चाहत। प्रहलाद जी बैठ जाओ, प्रहलाद जी बैठ जाओ।